वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज लेके आ गया हूँ, क्योंकि मारुति सुजुकी अपनी इस कार को नए हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वेरिएंट के साथ मार्केट में हम सभी के लिए उतारने वाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी नॉलेज काफी बढ़ जाएगी। तो मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कारों में से एक शिफ्ट का नया हाइब्रिड वर्जन को शोकेस किया है। इसको दोस्तों 2018 में इंडोनेशिया ऑटो एक्सपो में सबसे पहले पेश किया गया था। ऐसा पहली बार नहीं है जबकि शिफ्ट हाइब्रिड को सामने लाया जा रहा है। जापानी बाजार में इसको जुलाई 2017 से ही बेचना स्टार्ट कर दिया था। बताना चाहूँगा कि नई शिफ्ट हाइब्रिड में आपको एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इनको 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ लैस किया गया है। इसमें आपको 1.2 लीटर का K12C पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि 91 PSP की पावर और 118 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। भारत में जो अभी मौजूदा शिफ्ट है वो पेट्रोल मॉडल के साथ आती है, जो कि K12B इंजन है, जो कि 1197 cc के साथ आता है। ये इंजन बताना चाहूँगा कि आपको 83 PSP की पावर और 113 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट उत्पन्न करवाने में क्षमता रखता है। इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो सुजुकी शिफ्ट हाइब्रिड में आपको एक इलेक्ट्रिक मोटर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि आपको 13.6 PSP की पावर और 30 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। ये 100 वॉल्ट की लिथियम आयरन बैटरी से पावर लेती है। जहां तक इसके माइलेज की बात करी जाए तो शिफ्ट हाइब्रिड आपको पूरे 32 KMPL का माइलेज देने में क्षमता रखती है, ऐसा कंपनी का दावा है। ये भारत में पेट्रोल से चलने वाली शिफ्ट के मुकाबले पूरे 10 KMPL की अधिक माइलेज प्रदान कर सकती है। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि शिफ्ट हाइब्रिड में आपको हनी क्रोम मैश फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है और फ्रंट फेदर पर आपको हाइब्रिड ब्रेजर दी गई है। इंटीरियर में शिफ्ट हाइब्रिड गियर लीवर पर नीले रंग का प्रयोग किया गया है और इस्टोमेट क्लस्टर पर आपको नीले रंग की लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि इसको काफी आकर्षक लुक प्रदान करती है। लॉन्चिंग की बात करें तो मारुति सुजुकी ने हाइब्रिड वर्जन को 2018 में ऑटो एक्सपो में शोकेस सबसे पहले किया था। हालांकि इसको भारत में लॉन्च होने के लिए जुलाई का महीना तय किया जा रहा है। भारत में 2020 से BS6 नाम्स लागू हो चुके। इसी को देखते हुए कंपनी अब अपनी नई शिफ्ट हाइब्रिड को इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वेरियंट के साथ जल्द ही जुलाई के महीने में लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो काफी अच्छी बात है कि मारुति सुजुकी ने अपनी सबसे पॉपुलर कार शिफ्ट को नए हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ और एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर लॉन्च करने का फैसला कर लिया है, जो कि इसकी भी खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक से भी चलती है और साथ ही साथ पेट्रोल इंजन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बाकी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।